तो चलिए बात करते हैं साउथ अफ्रीका और ODD जो HL वर्सेस वार के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने आपस में देखा जाए तो एक मुकाबला खेल चुकी है और सीरीज में दो दो मुकाबले खेल चुकी है। तो इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले देता हूं। और दूसरी बात है कि ऐसे मैच में कवर करता हूं जो काफी कम लोग कवर करते हैं, तो अगर यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वीडियो आसानी तक से पहुंच जाएंगे और ऐसे मैच का आप भी मजा ले सकते हैं। ऐसे मैच में विनिंग के चांस काफी अधिक रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है ग्रांड लीग की टीम। यहाँ पर मैंने एक टीम बना के रखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस टीम में आपको क्या करना है, वॉइस के ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं लुबे को बनाया तो लुबे ही आपको बनाना है। डी पोटगेदर बढ़िया चॉइस है, रियार रिकॉल्सन एक बढ़िया चॉइस है, रूडी सेकेंड। यानी देखा जाए एक तो मैं वॉइस बना ही दिया, चार वॉइस के ऑप्शन काफी बढ़िया है। कैप्टन जिस मैच को ही मैं रखने वाला हूँ, सारे टीम में 11 टीम भी लगाऊंगा तो 11 में ये तो आपको कर लेना है। इनके अलावा आप यहाँ पर प्लेयर कौन कौन से रोटेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, एन भांडे बर्ज जो है इनके जगह पे आप क्यूसले को चाहो तो ले सकते हो, डी आर हेंड्रिस को ले सकते हो एक बढ़िया ऑप्शन है, एल नोकपे को ले सकते हो, यानी कि आपको जो मन आए उन्हें आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि अलतू फालतू प्लेयर को ले लो जो लगे, जैसे आर हेंड्रिस पे भरोसा किया जा सकता है। इनके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एक यानेमन पे चाहो तो भरोसा कर सकते हो, या फिर आप एक गेंदबाज ले सकते हो यहाँ पर एम नबे को, या फिर यहाँ पर देखा जाए बी फॉर्चून को, इनके अलावा एम सी बेटो को, इनके अलावा देखा जाए ए फेंगिसो को। तो इस तरह करके यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं। अब दूसरा कौन सा ऐसा प्लेयर है जिन्हें आप रोटेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे चाहो तो डी हेंड्रिस को भी आप एक एक जगह रोटेट कर सकते हो जिन्हें आपको मन चाहे, आर हेंड्रिस ले सकते हो या फिर किसी अन्य को ले सकते हो। तो इस तरह करके आप चाहो तो टीम बेहतर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर डी हेंड्रिक आर हेंड्रिस को अगर यदि छोड़ते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक और अन्य बल्लेबाज को आपको कहीं ना कहीं से पिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन बल्लेबाज तो आपको लेना ही होगा। तो सबसे बढ़िया चॉइस जो है वहाँ पर मैं कहता हूँ ये एक ऐसा ऑप्शन कर सकते हो, एन वान डे बर्च के जगह आप जो मन चाहे वैसे प्लेयर को ले सकते हो एक एक करके रोटेट करके, और कैप्टन वॉइस के जितने ऑप्शन है तो वॉइस आप सारे में जा सकते हो, तो एक बढ़िया चॉइस हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो ये टीम होने वाला है, मैं ये टीम मेरा होने वाला है, इनके अलावा जो भी चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को इस मैच में GL टीम बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी और ऐसे मैच में आप GL विन करके अवश्य आओगे।